हेलो एवरीवन। तो आज बना रहे हैं सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में खाया जाने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से। आप इसे कहीं सफर में भी ले जा सकते हैं या फिर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल घर की बेसिक चीज़ों के साथ हम इसे बना रहे हैं। इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे हम लेंगे 2 कटोरी, इस कटोरी से 2 कटोरी आटा ले रही हूँ मैं। आप किसी भी बर्तन से इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी कटोरी है। अब यहाँ पे 2 कटोरी आटा लेने के बाद ये देखिए, ये आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा है, ये बेसन है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, मतलब 2 कटोरी आटा है और आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा बेसन ले रही हूँ मैं। इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं, सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं स्वाद के हिसाब से नमक 3, अजवाइन, इसको हाथों से थोड़ा सा रगड़ लिया था वो डाल रहे हैं, थोड़ा सा खड़ा जीरा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, कसूरी मेथी, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च लगभग आधा चम्मच डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी, यहाँ पे इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही अमेजिंग नाश्ता है ये। अगर आप इसे चाय के साथ बनाते हैं तो ये बिल्कुल झटपट से बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगता है ये। तो एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैं ये मोयन देने के लिए डाल रही हूँ घी। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल से भी इसे मोयन दे सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा खस्ता होता है। आप कोई सी भी नमकीन बनाते हैं या फिर खस्ता बनाते हैं तो घी से बहुत अच्छा खस्ता होता है, तो इसलिए हम घी अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं या फिर आप जो भी ऑयल खाते हो उससे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से क्रम्बल करते हुए मिक्स करेंगे और जब ये थोड़ा सा बनने लगे तो इसे हम पानी से गूंथेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए, ये बहुत अच्छा बनने लगा है। तो अगर आपको मोयन कम लगता है तो थोड़ा सा मोयन आप और दे दीजिए, और बिल्कुल इस तरह हमको चाहिए। अब देखिए ये हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। मतलब इसका डो जो है उसको हमें थोड़ा सा टाइट लगाना है, सॉफ्ट मत लगाइएगा, नहीं तो क्योंकि हम इसकी जो है वो नमकीन बना रहे हैं तो वो मुलायम हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो डो है वो तैयार हो गया है, ये देखिए। तो ये इसको सख्त लगाया है मैंने, तो इसको बस 10 मिनट के लिए ढकते हैं हम, बस 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो आटे को थोड़ा सा फिर से मल ले रहे हैं इसको, और इसको मिक्स करने के बाद अब इसकी 2 लोई बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी 2 लोई बना लेंगे हम। तो यहाँ पे 2 लोई बना ली है मैंने। अब चलिए इसको बेल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चकले पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इसको बिल्कुल रोटियों की तरह बेल लेंगे, मतलब रोटियों की तरह ही इसे पतला बेलना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने बेल लिया है और ये देखिए, ये इतना पतला है, ये देखिए। और चलिए अब इसे हम काट लेते हैं। तो आप किसी भी चीज़ से इसे काट सकते हैं, अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं, आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, आप कोई सा भी इसे शेप दीजिए। मैं इसे ढक्कन से काट रही हूँ, मैं इसे इस ढक्कन से काट रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो इसलिए मैं इससे काट रही हूँ। आप चाहे तो बड़े ढक्कन से, कटर से, किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। तो ये छोटा सा ढक्कन है, चलिए काट लेते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे काट लिया है
अब चलिए इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं और जो साइड वाला आटा है उसको हम फिर से यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको काट लिया है, मतलब इसको साइड का जो आटा था उसको निकाल लिया है। अब चलिए इसको तलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कढ़ाई मैंने पहले से ही तेल डाल के चढ़ा दी थी, क्योंकि तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। तो जब तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पे लो फ्लेम करके तब हमें इसे डालना है। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम कर दिया है। अब चलिए इसको हम डालते हैं। यहाँ पे तेल पहले से ही बहुत अच्छा गर्म था, इसलिए मैंने तुरंत ही इसको चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है। हालांकि फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है, इसलिए ही मैं तुरंत चलाने लगी, वरना अगर लो फ्लेम करके आप डालते हैं तो बस इसे एक दो मिनट बाद ही चलाइएगा। अब इसको उलट पलट के तलते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल चलाते हुए मैं तल रही हूँ, ताकि इसका कलर भी बराबर सा आए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली है, आप अगर डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी है, बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा सा हटके टेस्ट इसका लगता है। ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इसे आटे से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो चाय के लिए शाम को अगर आप कुछ अच्छा और जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं तो ये बेटर ऑप्शन है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये देखिए ये धीरे धीरे क्रिस्प होता जा रहा है। लो फ्लेम पे करके जब हम ये सारी चीज़ें, जो किसी भी नमकीन को आप तलते हैं या फिर मीठा जो खस्ता टाइप का होता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है। तो इसको लो फ्लेम पे ही हमें तलना है। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, जिसे आपको बनाने में थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ेगा, आप इसे फटाफट बना के और खा सकते हैं। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कहीं सफ़र में जाते वक्त या फिर किसी मेहमान के आने पे आप इसे दे सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, बिना किसी फिजूल खर्च के आप इसे बहुत आराम से बना सकते हैं घर की बेसिक चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिस्प होने लगा है, तो अब हम इसे निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, जब आप इसको काटने के लिए जब बेलते हैं, जैसे जब हम रोटी टाइप का जब बेलते हैं इसको, उस समय आप एक फोर्क से या फिर चाकू से इसे थोड़ा सा प्रिक कर दीजिए, ताकि ये फूले ना, क्योंकि प्रिक करने के बाद पापड़ी बहुत अच्छी बनती है। मैंने किया था लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई, तो वो ज़रूर करिएगा, वो प्रोसेस इसमें बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पापड़ी को जब आप बनाते हैं तो प्रिक करना ज़रूरी होता है, तो ज़रूर ही ये वाला प्रोसेस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो नाश्ता है ये बिल्कुल हमारा क्रिस्प होने लगा है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है देखिए। तो अब इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे और वापस से दूसरा जो बैच है उसको डाल देंगे। यहाँ पे वापस से मैंने दूसरा बैच डाल दिया है, और इसे भी हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा अब तलेंगे। ये सेकेंड वाले बैच को भी मैंने निकाल लिया था, और ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है इसे। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, शाम की चाय के साथ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास, और बिल्कुल बहुत आसानी से 5 मिनट के अंदर आप इसे बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और बहुत ज़्यादा खस्ता भी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।